सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 38 सर्वनाम, सर्वनाम मींस प्रणाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, मैं, हम, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सभी बच्चे अपनी बुक में ओपन करेंगे पेज नंबर 39 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स जो सर्वनाम सब बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम सब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरी घड़ी है, मालूम है ये घड़ी मेरी तो निश्चित है। वह विद्यालय है, विद्यालय नहीं है, मालूम है ये वह विद्यालय है, निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पेज नंबर 40 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम सब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं या जानकारी नहीं देते हैं निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है कुछ मालूम नहीं है, तो कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है कुछ मालूम नहीं है, तो कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा देश वैसा देश आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम सब प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, देखो बाहर कौन आया है, तो कौन क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह भिक्षा किसको दे रहे हो, इसको क्या हुआ? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम जो अपने स्वयं के ही प्रयोग में लिया जाता है, अपने खुद के ही जो सर्वनाम प्रयोग में लिया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वह खुद आया। तो बच्चों ये था सर्वनाम, आप सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद और उनकी जो परिभाषा है, उदाहरण है, उसको 2 बार अच्छे से पढ़ना, रीड करना।